नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो क्या तैयारी है और कितने सेंटर बनाए गए हैं और कितने बच्चे हैं? उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की आमिल कामिल और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के लिए जनपद में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पे कुल 53 मदरसों की परीक्षाएं संपन्न होंगी। कुल पंजीकृत बच्चे हैं जिन्हें परीक्षा देनी है 1281, उनकी छात्र संख्या है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी महोदया द्वारा 6 सचल दस्ता भी बना दिया गया है सभी 6 सेंटरों के लिए। पुलिस विभाग को भी सूचना प्रदान कर दी गई है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। जनपद में परीक्षाएं जो माध्यमिक शिक्षा परिषद का टाइम टेबल है उसके हिसाब से 14 तारीख से 23 तारीख के बीच संपन्न होंगी। पहला पेपर 14 तारीख को है, दूसरा 17 तारीख को, फिर 18, 19, पांचवा पेपर 21 तारीख को है और लास्ट पेपर 23 तारीख को है। इस तरह से कुल 14 तारीख से शुरू होंगी और 23 तारीख तक परीक्षाएं संपन्न होंगी। प्रशासन की पूरी व्यवस्था है कि परीक्षाएं सुचितापूर्ण और सकुशल संपन्न हों और सारी व्यवस्था जो है DM साहब के निर्देशन में सकुशल संपन्न कर ली गई है। कितने सेंटर बनाए गए हैं जनपद में? मदरसा बोर्ड की परीक्षा है तो कुल 6 केंद्र बनाए गए हैं, 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कैमरे की वगैरह की क्या तैयारी है इसलिए? जनपद में परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे की व्यवस्था कर ली गई है। 20 MBPS की नेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था है। जो भी छात्रों के लिए छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक सुविधाएँ हैं जैसे शौचालय, पानी की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, वो सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। डेस्क टेबल वगैरह की सबकी व्यवस्था कर ली गई है। पूरी परीक्षा जो है सकुशल संपन्न करा ली जाएगी। सुन रहा है, मैं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पे यहाँ कार्यरत हूँ। धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।